अगला स्टेशन INA है। दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे। टक्कर नहीं मारना, टक्कर मारा तो घुटना भी टूट सकता है और कंधा भी टूट सकता है। हाँ। Hi guys, it's me Sonal Kaushal. Welcome back to my channel The Motor Mouth. Guys, आज का वीडियो होने वाला है अबाउट द वॉइस बिहाइंड ऑल द अनाउंसमेंट्स दैट यू हियर इन द मेट्रो। चाहे आप दिल्ली में हैं, चाहे कोलकाता में हैं, मुंबई में हैं, हैदराबाद में हैं, अगर आप मेट्रो से सफ़र करते हैं तो आपने रोज़ उनकी आवाज़ ज़रूर सुनी होगी। वो आपके हम सफ़र होते हैं हर रोज़। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि कभी भी आपके दिमाग में ये नहीं आया होगा कि यार ये आवाज़ है किसकी। सुनते आप रोज हो, लेकिन क्या कभी जानने की आपने जरूरत समझी कि आवाज है किसकी? नहीं ना, मुझे पता था, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस आवाज के पीछे आखिर कौन है और उनसे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ। Hello sir, welcome to my channel The Motor Mouth. Sir, it's a big honor for my channel कि आप एक वीडियो में आए हैं। मैं हाथ जोड़ के, आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं, पर सर मैं हाथ जोड़ के आपको वेलकम कर रही हूँ। नहीं, so nice Sonal, बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके। और जब मैं तुम्हारे वीडियोस देखता हूँ और जब मालूम पड़ता है कि इसमें तुम्हारी वॉइस है तो मेरा भी दिल करता है मैं तुम्हारी तरह बच्चा बन जाऊँ। इतना खूबसूरत काम कर रही हो तुम। हाँ हाँ बिल्कुल, दिशान ने जब से बताया मुझे कि फला इसमें और इसमें, मुझे लगता है शायद कपिल शर्मा के शो में भी मैंने तुम्हें देखा और उस शो के जरिए ही बहुत सारे मुझे पहचानने लगे। सो स्वीट, गॉड ब्लेस यू। और तुम जो काम कर रही हो ना बेटा, मैं तो अपने बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। तुम कितना अच्छा काम कर रही हो और तुम कितनी वर्सटाइल हो। गॉड ब्लेस यू और मेरा बहुत सारा प्यार तुम्हें बेटा। थैंक यू सो मच सर। आपने इंडस्ट्री को 40 साल से भी ज्यादा का समय दिया है और जी। मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपके इंटरव्यूज में भी सुना कि आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट रहा जब आप मेट्रो की आवाज बने, एम आई राइट? हाँ, मेट्रो की आवाज बेटा, बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स रहे। अच्छा। जो आपके कदरदान, आपके छोटे छोटे बच्चे, आपके फैंस जो सुन रहे हैं आपको इस वक्त, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में आपका जो भी शौक है, बचपन से आपको जो भी शौक है, आपकी हॉबी है, आपको लगता है यू कैन एक्सेल इन दैट, उसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ बेटा। मैं पढ़ाई के हिसाब से एक साइंस स्टूडेंट हूं और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मैंने 8th क्लास के बाद से हिंदी नहीं पढ़ी थी। मेरी जो हिंदी थी, जो सब्जेक्ट था, विषय जो था, वो सिर्फ 8th स्टैंडर्ड तक था। उसके बाद मैंने साइंस ले ली और साइंस लेने के बाद आई ऑप्टेड फॉर इंजीनियर। सो मैं इंजीनियर बन गया। अब तुम सोचो कि उनका तो जो मीडियम होता है वो अंग्रेजी होता है, लेकिन मैं ब्रॉडकास्टर हिंदी का बना। तो आप यकीन मानिए मैंने कितनी मेहनत की होगी अपने पैशन को कल्टीवेट करने के लिए। तो मुझे ये लगता है अगर आप में कोई इनबॉर्न इंक्लिनेशन है, बचपन से कोई रुझान है आपके जहन में, तो कोशिश करो उसको कल्टीवेट करने की। यही टर्निंग पॉइंट्स आपकी जिंदगी में आते जाएंगे और एक खास पॉइंट पे, जो जिसकी आप तवक्को करते हैं, जिसकी आप डिजायर करते हैं कि मैं यहीं पहुंचना चाहता हूं, वो पॉइंट आपके सामने आ जाता है। सर कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी शॉप में गए हो कहीं, या आप नॉर्मल अपनी लाइफ में कुछ काम कर रहे हैं और किसी ने आपकी आवाज पहचान ली सडनली और आपसे कहा हो कि अरे आपकी आवाज कहीं सुनी है, कभी ऐसा कोई मोमेंट हुआ है लाइफ में? या आप मेट्रो में सफर कर रहे हो और किसी ने आपको बहुत अच्छे अच्छे ऐसे बेटा, एक तो चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं, जहां तक पहचान की बात थी, क्योंकि मैं 20-21 साल नेशनल न्यूज़ रीडर रहा। तो वो मतलब आपकी जनरेशन ने तो नहीं, लेकिन आपके मम्मी पापा ने जरूर मुझे देखा होगा। और निर्धारित निर्देशों के अनुसार संपादित करके उसका, हाँ ठीक है, क्योंकि एक ही चैनल होता था तो वो पहचान तो थी, लेकिन सोचा था कि 2001 में अब बस मैंने पढ़ लिया तो ये पहचान अब गुम हो जाएगी, धीरे धीरे फेड आउट हो जाएगी। लेकिन ऊपर वाला ये नहीं चाहता था, वो कहता था नहीं अभी तो आपकी आवाज़ को और फैलाना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेट्रो में मुझे मौका दे दिया बोलने का। और क्योंकि मेरी आवाज़ जानी पहचानी थी बिकॉज ऑफ दूरदर्शन, बिकॉज एज ए न्यूज़ रीडर, तो उनको ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आई मुझे सिलेक्ट करने में। तो ये फिर मैं बहुत पॉपुलर हो गया। और आपको सुन के इतनी खुशी होगी कि अब मैं जब छोटे छोटे बच्चों के स्कूल्स में जाता हूँ ना बेटा,
तो पहले जब मैं जाता था आज से तकरीबन 20-25 साल पहले, तो कॉलेजेस में स्कूल्स में बैनर्स लगते थे, वेलकम द नेशनल न्यूज रीडर शम्मी नारंग। और आजकल जानते हैं क्या लिखते हैं बच्चे, और जोर जोर से चिल्लाएंगे, वेलकम मेट्रो अंकल, मेट्रो अंकल। तो मेरा नाम बदल गया बेटा, अब वो मेरा नाम मेट्रो अंकल हो गया। हो सकता है अगर लोग आपको भी जानते हैं तो आपको छोटा भीम कहते होंगे। बिल्कुल सर, लोग सारे लोग मुझे डोरेमोन दीदी बोलते हैं। है ना, तो ऐसा हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि मैं भी आजकल इसी प्रोफेशन की वजह से बच्चों से बहुत जुड़ गया हूँ, बिकॉज लॉट ऑफ चिल्ड्रन ट्रेवल बाय मेट्रो। दिल्ली में तो जाल बहुत बड़ा है, नेटवर्क बहुत बड़ा है, आप जानती हैं मेट्रो का। तो स्कूल से कॉलेज से माँ बाप खुद कहते हैं कि आप मेट्रो पे आ जाओ, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी सेफ, इट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड, यू नो। तो लगता है कि अरे, फिर वो बच्चे मिलना चाहते हैं, मेरे स्टूडियो में आते हैं कि अंकल, है ना। तो बड़ा, तो मुझे लगा कि बाकी प्रोफेशन तो है ही अच्छा हमारा, पर और भी अच्छा लगता है सोच के कि बड़ों के साथ तो आपका इंटरेक्शन हमेशा ही रहा, लेकिन ये बच्चों के साथ जब इंटरेक्शन होता है ना, आई फील वेरी वेरी हैप्पी। मुझे लगता है कि मैं बस समझो पोगो का कैरेक्टर बन गया, यू नो। पूरे देश में जितनी भी मेट्रो चलती हैं उसमें हिंदी में जो अनाउंसमेंट्स हैं वो आपकी आवाज़ में हैं, और हैदराबाद में उर्दू वाली जो अनाउंसमेंट है वो भी आपकी आवाज़ में है। लेकिन आज सर, लेट्स इमेजिन कि आपको आज दोबारा बुलाया जाता है वही अनाउंसमेंट्स करने के लिए, लेकिन ब्रीफ हल्का सा अलग है। इस बार ब्रीफ ये है कि आपको एक कार्टून कैरेक्टर की तरह पैसेंजर्स को अनाउंस करके बताना है कि नेक्स्ट स्टेशन इज सो एंड सो। तो आप कैसे करेंगे सर? ओ वाह, अच्छा, अगला स्टेशन जोरबाग है, ध्यान से उतरिएगा, टक्कर नहीं मारना, टक्कर मारा तो घुटना भी टूट सकता है और कंधा भी टूट सकता है। हाँ, और फिर टिकट लेके चढ़े हैं या स्मार्ट कार्ड लेके चढ़े हैं? स्मार्ट कार्ड लेकर चला करिए तो स्मार्ट कहलाएंगे, टिकट लेकर चले तो थोड़ी मुश्किल होगी और नाली तो पकड़े भी जाओगे, और मैं तुम्हें छुड़ाने नहीं आऊंगा, समझे ना। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है कि एक दिन, साल में एक दिन तो ऐसा होना चाहिए कि इस तरह की अनाउंसमेंट हो, तो पैसेंजर्स को भी थोड़ा डिफरेंट बोल रहे थे ना, आई वाज इमेजिनिंग कि पैसेंजर्स का रिएक्शन कैसा होगा जब सडनली इस तरह की अनाउंसमेंट सुनाई दे। सो नाइस, तुमने मुझे बच्चा बना दिया बेटा। सर मुझे लगता है हर किसी के मन में बच्चा तो होता है, दिल तो बच्चा है बेटा। तो सर मैं एक बहुत फेमस कैरेक्टर करती हूँ जिसे बच्चे बहुत प्यार करते हैं, और उसका नाम है डोरेमोन। तो आप सर एक डायलॉग बोलिए कोई भी मेट्रो अनाउंसमेंट का, और मैं उसे डोरेमोन की आवाज में रिपीट करती हूँ बच्चों के। ठीक है बच्चे, वाह वाह, ये तो बहुत ही मजा आएगा। अगला स्टेशन INA है, दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे, कृपया पहले डिब्बे में चढ़ने वालों को जगा दें। बोलिए। अगला स्टेशन INA है, दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे, कृपया पहले डिब्बे में चढ़ने वालों को जगा दें, धन्यवाद। So sweet, God bless you, क्या वाह, क्या बोलती हो तुम यार सोनल, मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। Thank you. Sir, आज की जो generation है, अगर उन्हें अपनी लैंग्वेज पे काम करना हो, मतलब अपनी लैंग्वेज में सुधार लाना हो, तो उन्हें क्या करना चाहिए? बेटा दो तीन चीजें, देखिए पहली तो ये बात है कि अंग्रेजी के तो माध्यम ऐसे हो चुके हैं कि उनकी तो टॉकिंग डिक्शनरीज भी हैं, हाउ टू प्रोनाउंस वेल वो भी आता है। हिंदी उर्दू में या एक हिंदुस्तानी में आज भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस बात की, लेकिन फिर भी आज भी मैं तवज्जो देता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ कि आप ऑल इंडिया रेडियो को ज़रूर सुनिए, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो में आज भी डिक्शन का ख्याल किया जाता है, करेक्ट उच्चारण का ख्याल किया जाता है, तो हमेशा अच्छे अच्छे वर्ड्स को सीखिए। अगर मैंने कहा सोनल मैं कल तुम्हारे घर के पास से गुजरा, लेकिन तुम्हारे घर के नज़दीक वो दुकान पड़ती है ना, और वो मेरे घर के करीब भी है, तो मैंने क्या करीब भी इस्तेमाल किया, नज़दीक भी इस्तेमाल किया और पास भी इस्तेमाल किया, तो क्या हुआ, तुम्हारी और मेरी बातचीत के बीच में मोनोटनी टूट गई, वो बोरियत खत्म हो गई। तो ये बच्चों को ज़रूर सीखना चाहिए, और अच्छे लोगों को सुनो। जगजीत सिंह सर अगर एक नज्म सुनाएंगे कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो उनका गीत पूरा सुनाई देगा। So I always tell children, don't overlap.
अपने शब्द को मुकम्मल करो, पूरा करो। अगर आपका नाम शम्मी नारंग है तो ग पूरा सुनाई देना चाहिए बेटा, और लोएस्ट ऑक्टेव पे बात करो शुरू में। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने अगर एक धर्म की बात करनी है, मैंने सौंदर्य प्रसाधन की बात करनी है, टॉयलेटरी की बात करनी है, कॉस्मेटिक की बात करनी है, तो मैं कैसे बात करूंगा? आपके सौंदर्य के लिए अब आया है नया लक्स, ठीक है? बट अगर मैं इसी चीज को कहता हूं, आपके सौंदर्य के लिए अब आया है नया लक्स, मैं मशीन तो नहीं बेच रहा ना बेटा, उसमें नजाकत होनी चाहिए, है ना? और अगर मैंने मशीन बेचनी है तब मैं कहूंगा, हा हा आज ही लीजिए ये मशीन, क्योंकि ये निभाएगी आपका साथ जिंदगी भर। तो बस ये छोटे छोटे बेटा टिप्स हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। जी सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी देर हमसे बात करने के लिए, इतने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच बेटा, एंड गॉड ब्लेस यू। मेरा सबको बहुत सारा प्यार देना मेरी मुराद है, जो बच्चे आपको देखते हैं, जो सुनते हैं, और उनके मम्मी पापा भी, उनके दादा दादी भी सुनते होंगे, जाहिर सी बात है, उन सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और बच्चों को मेरा बहुत बहुत सारा प्यार। देवियों और सज्जनों और बच्चों, सोनल कौशल की गाड़ी में आपका स्वागत है। खुशहाली के दरवाजे सोनल के साथ हमेशा खुले रहेंगे। जब चाहें आप इसमें चढ़ जाएं, जब चाहें उतर जाएं, लेकिन जो आपकी मनचाही मंजिल होगी वो ढेर सारी खुशियां ही होगी। इसलिए सोनल कौशल दीदी को सुनना ना भूलिएगा, और इनके वीडियो चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करते रहिएगा।